तो आइए कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को देख लेते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जो आपको तैयार होनी चाहिए। बायोलॉजी बेसिक प्रश्न जैसे रहता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, क्या है, कैसे इसका उद्भव हुआ। फादर ऑफ में आप जानते होंगे अरिस्टोटल को कहा जाता है ना, फादर अरिस्टोटल। फिर हम जानते हैं बायोलॉजी खुद दो भागों में विभाजित हो जाता है, एक होता है जूलॉजी और एक हो जाता है बॉटनी। जूलॉजी में अरिस्टोटल ने किताब लिखी थी प्लानिटेरियम एनिमेलियम, 500 जानवरों का उन्होंने उल्लेख किया था। इसे अरिस्टो को ही कहा जाता है फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी। बॉटनी को थियोफ्रेस्टस, थियो फ्रेस टस, जिन्होंने प्लांट किंगडम पे बहुत सी किताबें लिखी, प्लांट किंगडम पे किताबें लिखी हैं, प्लांटेरियम एनिमल, इसके बारे में इन्होंने चर्चा किया। ठीक, तो इससे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स हम पढ़ते चले जाएंगे। बायोलॉजी पहला शुरुआत करेंगे हम सेल थ्योरी से, है ना। कोशिका का सिद्धांत क्या होता है हम जानते हैं, सेल के बारे में सबसे पहले बताया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक का नाम आता है लेकिन वो डेड सेल्स पे चर्चा करते हैं। स्वैन एंड स्लाइडन, इन्होंने सबसे पहले बताया सेल थ्योरी के बारे में, सबसे पहले कोशिका का सिद्धांत क्या होता है इन्होंने ये बताया। और फिर सिद्धांत में उन्होंने जीवित और मृत सेल्स के अलग अलग परिभाषाएं दी और समझाना चाहा कि कैसे सेल्स काम करते हैं। थोड़ा सा सेल्स को हम समझ पाएंगे यहाँ से। सेल ठीक, उससे पहले थोड़ा आप ये सब देखते चलेंगे, जैसे ऑर्गेनिजम्स प्राणी जो होते हैं वो होते कैसे हैं। ऑर्गेनिज्म जितने भी प्राणी होते हैं इनको आप दो तरीके से बांटते हैं, या तो सेलुलर, सेलुलर कोशिकीय, या ए सेलुलर अकोशिकीय। सेलुलर को फिर आप बांटते हैं ना यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ए कोशिकीय अकोशिकीय। ए सेलुलर में जैसे वायरस को आप रखते हैं यूनि और मल्टी, ठीक। तो वो सेल पे हम बात कर रहे हैं, सेल होता क्या है। इससे पहले एक थोड़ा सा ये समझ लेते हैं आपके साथ, ये भी आपकी मदद कर देगा। है हमारे पास, हाँ थोड़ा सा ये एक बार देख लेते हैं ऑर्गेनिजम्स को कैसे बांटा गया है। हमने देखा सेलुलर में, और सेलुलर को जब आप बांटना चाहेंगे तो आप ऐसे बांट सकते हैं, या तो आप कह सकते हैं उनको यू सेलुलर, या कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, है ना। किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप बांटते हैं तो आप कह सकते हैं उनको प्रो कैरियोटिक, यू कैरियोटिक। प्रो मतलब विदाउट न्यूक्लियस, यूरो मतलब विथ न्यूक्लियस। प्रो का एग्जांपल आप जानते हैं मोनेरा होता है। प्रो का एग्जांपल और आप जानते हो, हाँ प्रो के एग्जाम्पल में आपके मोनेरा बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलग। यूनिसेलर में प्रोटिस्टा और मल्टी सेलर में विदाउट सेल वाले एनिमेलिया। आप देखिए प्रोटिस्टा एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम यूग्लिना, और फिर विद सेल वॉल में आप देखिए प्लांटी और फंजाई, और फिर विदाउट सेल वॉल में एनिमेलियम किंगडम। तो ये ना विटेकर का दिया हुआ एक परिभाषा है, एक बार इसको हमने समझ लिया है। अब इसको समझ के हम थोड़ा पीछे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी को पढ़ेंगे। और सेल थ्योरी में हम सबसे पहले सेल को समझेंगे, और सेल को समझने का सबसे बड़ा आसान तरीका एक छोटा सा चित्र है हमारे पास। आप देखिए इस सेल चित्र को, इसके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं आप जानते होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत माना जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर के चारों तरफ, सेल मेम्ब्रेन सेल के चारों तरफ, सेल के चारों तरफ ये मौजूद है। साइटोप्लाज्म, ये जो न्यूक्लियस क्या और सेल वॉल के बीच में जो पदार्थ होते हैं साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें वाटर की मात्रा होती है और प्लाज्मेटिक मेम्ब्रेन्स अलग अलग चीजें होती हैं। ये नाभिकीय न्यूक्लियस का हिस्सा है, न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर आप जानते होंगे क्या रहता है, क्रोमेटीन्स रहते हैं। क्रोमेटीन्स के अंदर यहाँ पैसे किसी भी ऑर्गन जो कि टिश्यू से बना ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन सिस्टम को जो जन्म देता है बॉडी का। तो आप देखें टिश्यू, टिश्यू बना सेल से, सेल न्यूक्लियस
और फिर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटीन, क्रोमेटीन के अंतर्गत आप जानते होंगे डीएनए, और फिर डीएनए के अंतर्गत जीन्स। जिस डीएनए में जिंक नहीं, जीन नहीं होता, उसे कहते हैं जंक डीएनए। ठीक, ये जो क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन थ्रेड्स होते हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूक्लियस के अंतर्गत मौजूद होते हैं। ठीक, ये गोल्गी अपार्टस, इसका काम होता है पैकेट बनाना, पैच करना, डिस्पैच करना, ट्रांसलोकेशन करना। सेंट्रियोल्स, आप देख सकते हैं लाइजोजोम, सारे एनर्जी के रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, दो तरह के होते हैं, एक स्मूथ होता है, दूसरा रफ होता है ना। स्मूथ वाला सिंथेसिस करता है हार्मोन्स का, रफ वाला सिंथेसिस करता है किसका? प्रोटीन का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं सेल, जिसको आप थोड़ा सा देख के जाएंगे, फिर आप इसी को आगे जब बढ़ाते हैं तो आप देख पाते हैं सेल के कारण। अच्छा, सेल के कारण आप जब देखते हैं तो इसके बाद आप देख पाते हैं तो डीएनए को समझ लेते हैं। ठीक, डीएनए के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। हम जानते हैं डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर दोनों दिया गया माइकल मिशेल मिशेल के द्वारा दिया गया। ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, जो पीछे मैंने डायग्राम बताया आपको। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर कहा जाता है, ये देखिए द्वित कुंडलिनी, ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा बताया गया, वॉटसन एंड क्रिक के द्वारा इसको समझाया गया। इसके इस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि, और ये वाला हिस्सा सुगर से और फॉस्फेट से मिलके बना होता है। हम जानते हैं सुगर से और फॉस्फेट से मिलके बना होता है, और फिर इसके अंदर बॉन्डिंग होती है ATCG, ए डबल बॉन्ड टी, ट्री ट्रिपल बॉन्ड जी, एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, इसी की अल्टरनेट पेयरिंग होती है, और ये पूरा का पूरा मिलके इसके अंतर्गत जो बनाते हैं। जब भी आपने सुना होगा जेनेटिक इश्यूज आते हैं किसी के ना, तो ये इसी बॉन्ड में दिक्कत हो जाती है। तो ये हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसी से मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर हमारे पास है, आरएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डीएनए डबल हेलिकल मॉडल, आरएनए सिंगल हेलिकल मॉडल दिया, ये भी माइकल फिशर के द्वारा ही दिया गया था। बस अंतर क्या है डीएनए और आरएनए में? इतना सा अंतर है कि आरएनए में भी डीएनए की तरह साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, एडनिन होता है, थायामिन नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे थायामिन की जगह में क्या होता है? यूरासिल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए, एंड दिस थिंग्स आर सेम। ये देखिए एकल कुंडलिनी, सिंगल हेलिकल, डबल नहीं है। देखिए जी सी, गुआनिन साइटोसिन यूरासिल एडनिन गुआसिन, ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या है ऐसे, और फिर इनकी बॉन्डिंग होती है। ठीक, हम जानते हैं डीएनए का काम आरएनए को मदद करता होता है, जिसके अंतर्गत आरएनए एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, डीएनए इसको सूचना देता है, और फिर आर आर एन ए क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एम आर एन ए मैसेंजर ट्रांसफर राइबोसोमल, तो इसी की मदद से हमने देखा है किस तरह से प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है। इसको अलग अलग प्रोसेस आप देख लेंगे, ट्रांस लोकेशन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रिवर्स ट्रांसलेशन क्या है, ये चीजें हैं आप देख लेंगे। मैं लिखते जा रहा हूँ एक बार, ट्रांसलेशन देख लेंगे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे क्या है, ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे क्या है, रिवर्स ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे क्या है। तो इस तरह से हमने देखा है आरएनए क्या है, डीएनए क्या है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चीजों को समझ के जाएंगे। सेल के बारे में हमने पीछे अभी देखा है कि यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं और किस तरह से सिंथेसिस की जाती है। ठीक, सेल्स के बाद अब थोड़ा सा हम देख लेंगे टिश्यूज के बारे में, है ना। तो अगला हेडिंग हम कर लेते हैं,
टिश्यूज को थोड़ा देखेंगे, टिश्यूज, टिश्यूज में दो टिश्यूज होते हैं उत्तक, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज को पढ़ेंगे और एनिमल टिश्यूज को पढ़ के जाएंगे। प्लांट्स के उत्तक क्या होते हैं और एनिमल के उत्तक क्या होते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे प्लांट टिश्यूज। चेक, हम जानते हैं प्लांट टिश्यूज को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू वो है जिसमें कि नो चेंज फर्दर, नो फर्दर चेंजेस, ऑलमोस्ट लगभग और कोई बदलाव ग्रोथ नहीं दिखा जाता, नो ग्रोथ, ऑलमोस्ट नो ग्रोथ दिखा जाता है। पर मेरिस्टेमेटिक जिसमें ग्रोथ देखा जाता है। परमानेंट को हम जानते हैं दो भाग में बांटते हैं, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्केरेन्काइमा। ये ना जैसे आपने देख रखा अखरोट का हिस्सा स्केरेन्काइमा के अंतर्गत आता है। वैसे परमानेंट टिश्यूज में पहला सिंपल, कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का काम क्या होता है आप जानते होंगे, जाइलम जल वाटर कैरी करता है, फ्लोएम खाना लेके जाता है, फूड लेके जाता है। ये जल के साथ और क्या लेते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स लेके, मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स लेके भी जाता है। इसको बांटा गया है ट्रैकियर्स, वेसल्स, जाइलम फाइब और फ्लोएम को बांटते हैं, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। तो ये सब एक एक बार आप देख के जाएंगे। और फिर मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल। ये देखिए ये होता है, देखिए पेड़ का कोई हिस्सा है ना, तो ये वाला हिस्सा एपिकल कहा जाएगा, ये वाला हिस्सा है ना, और एक ये हिस्सा नोड्स, इंटर नोड्स और नोड्स वाले हिस्से। तो ये एपिकल हो गया, ये लैटरल हो गया, ये मेरिस्टिक और ये हो गया इंटरकैलरी। तो इस तरह से हमने प्लांट सेल्स को थोड़ा समझा है। अब हम थोड़ा समझेंगे एनिमल सेल्स क्या होते हैं, एनिमल सेल्स कौन कौन सा होता है। एनिमल सेल, ठीक, एनिमल सेल को चार भागों में बांटा जाता है, मसल, सॉरी एनिमल टिश्यूज को। हमने प्लांट टिश्यू देखा, एनिमल टिश्यू देख रहे हैं, नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू देखेंगे, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। बारी बारी से पहले पढ़ लेते हैं नर्व टिश्यू के बारे में। नर्व टिश्यू वो है जो नर्वस सिस्टम, आपके नर्वस सिस्टम को जो तैयार करता है, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं ब्रेन है, पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे आज। ब्रेन है ये हिस्सा मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड ये पीछे वाला हिस्सा, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा। फिर नर्व्स जो हमारे पूरे शरीर में, नर्व्स अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, मोटर नर्व्स क्या होते हैं, सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं। ठीक, दूसरा आता है मस्कुलर टिश्यूज, मस्कुलर इसी में आप पढ़ लीजिएगा, स्ट्राइएटेड और अनस्ट्राइएटेड क्या होता है ना, स्ट्राइएटेड, अनस्ट्राइएटेड देख के जाइएगा, रेखीय और ये अरेखीय, अरेखीय, दो प्रकार के अलग अलग मसल्स होते हैं। फिर स्केलेटल मसल, ये स्केलेटन के चारों तरफ, कार्डियक मसल, हार्ट, हम जानते हैं हार्ट हमारा पूरा का पूरा क्या है, मस्कुलर टिश्यू है हार्ट, है ना, इसमें मस्कुलर के अलावा और कोई दूसरा टिश्यू नहीं होता। ठीक, अगला है एपिथेलियल टिश्यू, ये परत होती है, जैसे चमड़ी की परत देख सकते हैं आप, जितनी भी लाइनिंग होती है ना, चमड़ी की लाइनिंग, स्किन की लाइनिंग, आपके शरीर के जननांग के जो परतें होती हैं, उसमें इस्तेमाल होता है एपिथेलियल टिश्यू का। और आखिरी आता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी उत्तक, है ना, संयोजी उत्तक, संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज, संयोजी उत्तक की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, टेंडन की बात करते हैं, बोन्स की बात करते हैं, फैट्स की बात करते हैं, एक और लिख लेंगे अध्यानी है, ब्लड की बात करते हैं। ब्लड भी हमारा एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू ही तो है, संयोजी उत्तक ही तो है, जिसकी मदद से ऊर्जा का प्रवाह होता है, पचे हुए भोजन जो ऊर्जा के रूप में है, उसका एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवाह कौन कराता है, ठीक कराते हैं। ठीक, तो इस तरह से हमने जाना है क्या होता है सेल और क्या होता है टिश्यू। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे, हमने देख लिया है प्लांट्स टिश्यूज, हमने देख लिया है एनिमल टिश्यूज, अब थोड़ा कर लेते हैं प्लांट को और एनिमल को देखने के बाद फिजियोलॉजी को पढ़ लेते हैं।
फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, अलग अलग सिस्टम्स को पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो थोड़ा डाइजेस्टिव को समझ के जाएंगे आज। डाइजेस्टिव को एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट रहता है। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत आप देखते हैं इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, शोषण, असिमिलेशन और फिर इजेशन, है ना, त्याग, मल त्याग। तो कैसे आपने मुंह से लिया, फिर उसको अलग अलग शरीर से पचाने के बाद अब्सॉर्ब किया था, स्त्रावित किया जाता है, उसके बाद उसको अलग अलग हिस्से प्रवाहित किया था, फिर उसके बाद त्यागा जाता है। देख सकते हैं मुंह, माउथ कैविटी, यहाँ पे सलाइवा होता है, यहाँ पे सबसे अधिक अलग अलग ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, सलिवरी ग्लैंड्स, इसमें हम जानते हैं पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, अलग अलग हारमोन्स होते हैं, यहाँ से होकर खाना, ये इसोफिगस फूड पाइप कहते हैं ना। ठीक है, पीछे एक और पाइप चल रहा होता है, विंड पाइप, साथ साथ चल रहा होता है विंड पाइप, पढ़ेंगे अभी थोड़ी बाद। ये सीधे आगे कहाँ खुलता है, देख सकते हैं आप, लीवर में खुलता है, वहां से होकर के फिर ये सीधा स्टमक में जाता है, छोटी आंत, अमाशय में जाता है, अमाशय, अमाशय से भोजन का पचना प्रारंभ हो जाता है, फिर अमाशय से भजा हुआ भोजन, यहाँ पे एक परत होती है, लेयर, झिल्ली जैसी, जो सीधे भोजन को उतार के कहाँ पहुंच जाती है, इसी के पीछे पैंक्रिया, पैंक्रिया, पैंक्रियाटिक जूस होते हैं, हम देखेंगे उसको, पैंक्रियाटिक जूस कैसे इसका इस्तेमाल है, वो खाने को ना स्टमक में जो मौजूद था एसिड हमारा, उससे उसको बेसिक बना देता है, और फिर खाना वहाँ से हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाले स्मॉल इंटेस्ट, छोटी आंत में भोजन चला जाता है, यहाँ पे विलाईज मौजूद होते हैं, विलाई जो भोजन का अब्सॉर्प्शन करने में सबसे अधिक मदद करते हैं, और फिर बचा हुआ भोजन अपशिष्ट पदार्थ लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पे उसका पानी छान दिया जाता है, फिर वहां से वो बचा हुआ पदार्थ होकर के एनस के रास्ते एफ्रेक्टम जैसा निकल जाता है, ये क्या है, इजेशन है यहाँ से। तो इस तरह से हमने एक बार डाइजेशन के अलग अलग प्रोसेस को देखा है, जहां पे हमने ये जाना कैसे इंजेशन, डाइजेशन, अब्सॉर्प्शन, ऐसे में इंजेशन की प्रक्रियाएं पूरी होती हैं। इसमें आप देख सकते हैं अपेंडिक्स मौजूद है, ये अपेंडिक्स का इस्तेमाल अब नहीं होता, वैज्ञानिक बताते हैं पहले इसका इस्तेमाल रॉ फूड, कच्चे मांस को पचाने के लिए होता है, रॉ, कच्चा मांस, कच्चे मांस को, है ना, पकाने में, पचाने में होता था, बट अब इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये हमारी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें शुरुआत कहाँ से हुई, माउथ से हुई, बकल कैविटी के नाम से भी जाना गया, मुखागुहा, मुखगुहा, फिर वहां से होकर के परत, ये यहाँ पे एपिग्लेटिस, पिग्लेटिस, ग्लोटिस से होता हुआ PEL, फेरिंग्स, लिरिंग्स, पीछे इसके आ गया सारा, ठीक। तो आप इसको एक बार समझ लेंगे क्या है कैसे है, ठीक। तो हमने जान लिया डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, अब थोड़ा जान लेते हैं अगला, सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी दोनों को समझ लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा समझ लेते हैं। परिसंचरण तंत्र को समझते हैं, और सर्कुलेटरी सिस्टम को हमें समझने के लिए हमें समझना होगा क्या होता है ब्लड और क्या होता है
सर्कुलेट कहाँ से आ गया, सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके अंतर्गत आप लोग देख के जाइएगा है ना, ब्लड का क्या क्या रोल होता है, हार्ट का क्या क्या रोल होता है, लिम्फ और फिर वेसल्स, आर्टरी, ब्लड, कैपिलरीज का क्या रोल होता है। तो जब आप ब्लड को पढ़ेंगे तो आप ब्लड को पढ़ लीजिएगा कि ब्लड में क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, है ना, प्लाज्मा इसमें कितना मौजूद है और फिर कॉर्पोस्कल्स कितने मौजूद होते हैं, इसको आप देख के जाएंगे। इसी में आप पढ़ेंगे आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट्स वगैरह क्या है पढ़ लेंगे। और फिर प्लाज्मा आप पढ़ लेंगे, प्लाज्मा में वाटर की मात्रा कितनी होती है और कितना है इसमें इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होता है। तो ये मोटे तौर पे एक सिस्टमेटिक तरीका होगा जिसको हमें देखना होगा, है ना। तो इसकी मदद से हम ये समझ पाएंगे कि ब्लड में सर्कुलेशन कैसे होता है। और फिर उसको समझने के लिए हम अलग अलग तरीकों से लिक्विड पार्ट को समझेंगे, उसके सॉलिड पार्ट को समझेंगे बारी बारी से। जैसे आरबीसी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैसे एरोथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, एराइथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी आप पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, है ना, ल्यूकोसाइट्स। आप पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में तो वहां पे आपको बताया जाएगा कुछ महत्वपूर्ण चीजें, आप वहां देखे होंगे, जैसे कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है ना। ये सब आप देख लेंगे, मैं सिर्फ हाईलाइट करते जा रहा हूँ। आरबीसी का फॉर्मेशन देख लेंगे, निर्माण कैसे होता है, लाइफ स्पैन समय अवधि देख लेंगे। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन आप जानते होंगे ऊंट और लामा, इन दोनों के आरबीसी में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। फिर आरबीसी मेल्स में आप जानते होंगे फीमेल की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, दिन में डेज नाइट की तुलना में अधिक होता है ना। समर में विंटर की तुलना में अधिक होता है। जानवरों में इंसानों की तुलना में, ह्यूमन की तुलना में अधिक होता है, ज्यादातर जानवर, सभी में ज्यादातर। तो ये आप आरबीसी देख लेंगे, आरबीसी का काम क्या है, एनर्जी फ्लो कराता है, पचे हुए भोजन के रूप में फ्लो कराता है। तो ये आरबीसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी, आप इनको जरूर देख कर जाएंगे। ठीक, अगला है डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, बॉडी को इम्यूनिटी देना या सिक्योरिटी देना। अभी जो कोरोना के समय में परेशानी हुई, ये पूरी की पूरी परेशानी किससे संबंधित है, डब्ल्यूबीसी से। जिसके शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत है उसको दिक्कत नहीं है। ठीक, डब्ल्यूबीसी में आप पढ़ के जाएंगे मोनोसाइट्स क्या होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स क्या होते हैं, ए ग्रैनुलोसाइट्स देख लीजिएगा। इसके बाद आप देख लेंगे ग्रेनुलोसाइट्स में ही देख लेंगे इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इस तरह से आप इन महत्वपूर्ण चीजों को भी देख लेंगे, है ना। और फिर इसके बाद आप इसमें एक महत्वपूर्ण आता है टी सेल, के सेल,
नेचुरल किलर सेल। तो आप ये सारा देख लेंगे WBC के अंतर्गत। ठीक, प्लेटलेट्स और फिर लिम्फ, लिम्फ को भी आप देख लीजिएगा, फॉर्मेशन कैसे होता है, निर्माण कॉम्पोजिशन, उसका क्या क्या घटक रहता है, और किस तरह से लिम्फ आपके शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, सुरक्षा देता है। तो हम इस तरह से लिम्फ को देखेंगे, लिम्फ के महत्वपूर्ण चीजों को देख पाएंगे। ठीक, तो इस तरह से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा है, ब्लड को देखा है ना, अब देख लेंगे हार्ट को, हृदय को हमारे पास है। हाँ ठीक, इस हृदय को देखिए, इसे डबल सर्कुल, दोहरा परिसंचरण तंत्र, डबल सर्कुलेशन के लिए भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप जानते होंगे एक बार इम्प्योर ब्लड इसमें जाता है, फिर वो बाहर निकल के कहाँ जाता है, लंग्स की ओर जाता है, और फिर लंग से वापस लौटता है, और फिर बाहर निकल के पूरे बॉडी में जाता है। इसी वजह से इसको कहा गया डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। जाता कैसे है? राइट ऑरियम से आकर राइट वेंट्रिकल पे जाता है, मुटमैना कावा से होकर के वापस, इसमें दो महत्वपूर्ण होते हैं आप देख लेंगे, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, शिराएं और धमनियां। आप पल्मोनरी शिराएं और पल्मोनरी धमनियां दोनों को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण रहता है। फिर आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इसमें कौन कौन से तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है, और फिर यहाँ पे कौन कौन से नोड्स होते हैं, है ना, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, आप देख लेंगे ट्राइकस्पिड नल, कपाट, कपाट कहते हैं, ड्राई कस्पिड, वाई कस्पिड, वाल्व्स, वाल्व वाल्व ही ज्यादा सही है, बाई कस्पिड, डाई कस्पिड, वाल्व होते हैं, है ना, बाई कस्पिड, बाई कस्पिड, कस्पिड, मिस्ट्रल वाल्व होता है। इन सारे बल्ब्स को आप एक बार देख के जाएंगे कैसे ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को बढ़ावा देता है। तो जब आप इतना चीजों को कर लेंगे, फिर आप देख लेंगे हार्ट के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन जिसमें लिक्विड भरा जाता है, फ्लूइड भरा रहता है, जो आपको क्या करता है, शॉक से बचाता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम शॉक। तो आप ये भी देख के जाएंगे, और फिर देख लेंगे, आप जानते होंगे हार्ट पूरा का पूरा किससे बनता है, मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू से निर्मित होता है। तो किस तरह से निर्मित होता है, ये पूरी प्रक्रिया आप देख लेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हार्ट के संबंधित थी, जिसको हमने देख लिया है, और ये सारा मैंने बता दिया। जैसे हार्ट के चार चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर्स में कौन चैम्बर बड़ा, कौन सा चैम्बर छोटा, वेंट्रिकल, ऑरिकल, एट्रियम, या ऑरिकल भी कहते हैं, ऑरिकल, आलिंद, हिंदी में कहते हैं आलिंद, और वेंट्रिकल, निलय। तो ये आलिंद और निलय की कहानी है, आप थोड़ा इसको एक बार समझ के जाएंगे, इंपॉर्टेंट लगता है कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चेक,
इस तरह से हमने हर्ट को देखा, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को देखा, और फिर इसके कुछ एग्जांपल्स में कैसे ये, हाँ एग्जांपल भी देख लेंगे आप, जैसे इसमें चार चैम्बर हैं, मानव में चार हैं, किसी में दो चैम्बर हैं, किसी में दो से ज्यादा हैं, किसी में दो से कम हैं, ये सारा भी आप देख लेंगे। तो ये हमने देखा है हर्ट को, बार देख लीजिए जो चीजें लिखी हैं, आप इसको इतना रख लीजिए एक बार अपने पास। हाँ ठीक, इसके बाद कर लेते हैं नर्वस सिस्टम को थोड़ा कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम, और हम जानते हैं नर्वस सिस्टम जो है नर्व सेल, नर्व तंतु से बना है, जिसका स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिए, ये साइटन होता है, ये वाला हिस्सा साइटन है ना, और ये नाभिक, तो आप ये सब देख के जाएंगे नाभिक क्या है, साइटन क्या है, किस तरह से ये दूसरे सेल्स, न्यूरॉन सेल से, नर्व सेल से जुड़ जाता है, ये डेंड्राइट्स होते हैं है ना, और यहीं पे दूसरा सेल का हिस्सा ऐसे जुड़ता है, और फिर ये ऐसे साइटन बनाता है, फिर बनाने के बाद ये खुद दूसरे सेल से जुड़ जाता है, तो इस तरह से ये पूरी की पूरी, आप जानते होंगे न्यूरॉन सेल को सबसे लंबा से लॉन्गेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन कौन सा है? नर्व सेल, न्यूरॉन सेल, इसका ये सारा हिस्सा होता था। आप एक बार हिस्से को देख लेंगे कैसे एक्सन काम करता है, ये एक्सन बीच का हिस्सा लगा होता है ना, कैसे एक्सन काम करता है, कैसे न्यूक्लियस के साथ रेनवियर नोड अटैच होते हैं, कैसे ये पूरा का पूरा प्रवाहित होता है, तो आप इस चीज को एक एक बार थोड़ा समझ के जाएंगे। जब आप देखते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल, तो वहीं पे आप देख लेंगे ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। हम जानते हैं नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं ना, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम, मोटर या न्यूरॉन नर्वस सिस्टम, मोटर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब बात चलती है तो हम बात किसकी करते हैं? ह्यूमन ब्रेन की करते हैं। तो हम देखेंगे ह्यूमन ब्रेन को, ह्यूमन ब्रेन को आप जब देखते हैं तो आप देखते हैं इसके थ्री पार्ट्स होते हैं, आप जानते होंगे प्रोसेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन, प्रेसेंसेफलॉन, इसको आप कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, तो उसी की वजह से आप ये अलग अलग हिस्से को देखेंगे। आपने देखा होगा अग्र मस्तिष्क में कौन कौन से भाग होते हैं है ना, तो आप इसमें क्या क्या पढ़ के जाएंगे, आप पढ़ के जाएंगे इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता दी जा रही हैं, जैसे आप पढ़ के जाएंगे प्रोसेंसेफलॉन, डाइसेंसेफलॉन, रोम्बेंसेंसेफलॉन, रोम्बेंसेंसेफलॉन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ये अग्र क्या है, मध्य क्या है, पश्च क्या है, फिर इसके कौन कौन से भाग होते हैं, जैसे हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस है ना, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा, ये वाला हिस्सा मेडुला ऑब्लांगाटा, सो किस तरह से ये जुड़े होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, या देखिए स्पाइनल कॉर्ड से जाकर जुड़ जाता है, फिर उसमें अलग अलग ना
पीटल्स होते हैं देखने के लिए, सर्वे के लिए लॉब्स बनाए जाते हैं, बने हुए हैं, टेम्पोरल लॉब्स, पैराइटल लॉब्स, ऑक्सीपिटल लॉब्स। तो इन सारे लॉब्स की मदद से आप समझ पाएंगे। तो इस तरह से हमने ब्रेन के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना है। एक बार आप देख लीजिए, इसमें आपको पढ़ लेना है महत्वपूर्ण चीजों को। थैलेमस को देख लेंगे आप, हाइपोथैलेमस को देख लेंगे, सेरिबलम और सेरिबेरम दोनों को देख लेंगे। सेरिबेरम क्या है, सेरिबलम, सेरिबेलम क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, इसको देख लेंगे। और फिर जब आप ये सब कर लेते हैं तो फिर स्पाइनल कॉर्ड और उसकी कनेक्टिविटी को देख लेंगे पीछे से। महत्वपूर्ण चीजें आपको बताई जा रही हैं। चेक। और लॉब्स, ऑक्सीपिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ये देखते जाएंगे आप। पिटल, पैराइटल, टेम्पोरल, लॉब्स, इनके यूजेस पूछे जाते हैं कई बारी, इसका क्या इस्तेमाल होता है। ठीक। तो इस तरह से हमने जाना है नर्वस सिस्टम में क्या होता है न्यूरॉन्स और क्या होता है ब्रेन। ठीक। अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, न्यूरॉन्स के बाद। एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन, जो आपने भोजन ग्रहण किया उसका जो उत्सर्जी पदार्थ है, जो आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसका त्याग देते, त्यजित करते, उसे उत्सर्जी तंत्र कहते हैं। कैसे काम करता है ये? आप देखें, ये पोस्टल वेना कावा, इतने वेना एरोटा वेना कावा, हार्ट से आता हुआ, ये दो पेयर वृक्क, क्या कहते हैं, वृक्क किडनी, मटर के दाने के जैसा, पी से, मटर के दाने के जैसा एक जोड़ा, जहां से ये तार और फिर यहां से ये यूरेटर्स है ना, देख सकते हैं आप, ये यूरेटर्स आकर के जो अब पचा नहीं है, अपचित जल पदार्थ है, ये कहाँ आके जमा हो जाता है, ब्लैडर में, और फिर यहीं से आप पास ऑन करते हैं, फिर आप यहीं से यूरिनेट करते हैं। तो ये यूरेटर क्या है, ये देख लेंगे आप, किस तरह से इनका फंक्शन होता है, क्या इनका उपयोगिता है, और इनके फंक्शन को आप देख के समझ पाएंगे। और फिर देखने के बाद ये सारा देख लीजिएगा कैसे बिना कावा जुड़ा रहता है, यहीं पे यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर में जाके आपका वो यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। फिर यहीं से आपका जमा हुआ मूत्र समय समय पर उत्सर्जित होता रहता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जिसमें कि आपने पचा हुआ को अब्जॉर्ब कर लिया और अपचित पदार्थ को उत्सर्जित कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट चीज है और आप जानते होंगे। चेक। तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजों को देख लिया है। एक्सक्रीटरी में आप थोड़ा सा और समझ लेंगे कि अमोनिया,
यूरिया, यूरिक एसिड इन तीन प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ हमारे शरीर से निकलते हैं, जिसमें कि अमोनिया को सबसे अधिक टॉक्सिक कहा जाता है। इट इज द मोस्ट टॉक्सिक, सबसे विषैला है ये, लीस्ट टॉक्सिक सबसे कम विषैला होता है इन तीनों की तुलना में, है ना। तो ये आप देख लेंगे मूत्र में जो स्मेल आता है, यूरिन में स्मेल है, वो यूरिया की वजह से है। और आपके जो, हाँ, जो आपके स्टूल में स्मेल आता है वो होता है इंडोल की वजह से। आप चाहें तो रख ले इंडोल प्लस स्केटोल, इंडोल प्लस स्केलेटोल की वजह से, टोल की वजह से स्टूल में स्मेल रहता है। और यूरिन में जो स्मेल है वो वजह है यूरिया की वजह से, यूरिन में दुर्गंध। आप इसको भी रख लेंगे कैसे कैसे ये काम करता है। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा है कैसे ये तंत्र काम कर रहा होता है। किडनी में फिल्ट्रेशन को डायलाइसिस प्रोसेस कहा जाता है, ये भी आप समझ लीजिए। किडनी का जो प्रोसेस है जिससे फिल्ट्रेशन हो, क्या कहते हैं, डायलाइसिस। डायलाइसिस को आप पढ़ के जाएंगे, डायलाइसिस क्या है, क्यों है, कब इसकी ज़रूरत पड़ती है, और फिर इसके इस्तेमाल से कैसे मरीज बीमारियां दूर की जाती हैं। ठीक, और इस चीज़ आप जानते ही होंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट क्या है, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स को माना जाता है यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी। जैसे आपने पीछे पढ़ा, न्यूरॉन्स को माना जाता है यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हाँ, ठीक, तो ये हम पढ़ेंगे। यही रख लीजिए, पीछे देखा हमने विलाई को माना जाता है यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, विलाई को माना जाता है यूनिट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो ये सारे महत्वपूर्ण चीजें थी जिसको आप एक बार देख के जाएंगे। अब करेंगे इसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र को पढ़ेंगे, बाकी सारा हमने देख लिया। श्वसन तंत्र, इस श्वसन तंत्र में हमने देखा है किस तरह से नॉस्ट्रिल से इंटेक किया जाता है। इंटेक कैसे करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, आर्गन इंटेक, 78%, 9% जरूरत है, 3% जब आप एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, 17%, N2 78, CO2 4% के आसपास।
ये पूरी की पूरी प्रक्रिया होती है जिसमें आप इनटेक और एक्सहेल दोनों को दर्शाया जाता है। जितना आप ग्रहण करते हैं उससे ज्यादा आप त्याग देते हैं, 0.09। ठीक, तो आपने जब ऑक्सीजन का इनटेक किया तो देख लीजिएगा कैसे ये नेजल कैविटी से होता हुआ विंड पाइप के जरिए नॉस्ट्रिल्स में, यहाँ पे हेयर होते हैं, हेयर सिलिया, ये लेरिंग्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, एपिग्लोटिस से होता हुआ विंड पाइप में आता है और ये फिर फर्दर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है राइट लंग्स में और लेफ्ट लंग्स में, जहाँ पे आपने देखा होगा कैसे ये अल्वियोली और ब्रोंकाई में खुलता है ना, अल्वियोली में ऐसे गुब्बारा जैसा होता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस, यहीं पर ब्लड कैपिलरीज आ जाती हैं और यहाँ पे क्या होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। फिर यहीं से ऑक्सीजन की मात्रा कम, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा, क्या होती है एक्सहेल हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो इस पूरे प्रोसेस से हमने क्या जाना, हमने ये जाना कि कैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस इनटेक और एक्सहेल दोनों में हमारी मदद करता है। इसमें ब्रोंकियालोइज आप देख सकते हैं, ब्रोंकियोल्स हैं, पिलर का काम करते हैं, इसी में सबसे ज्यादा जाकर ब्लड कैपिलरी एक्सचेंज होता है। हमने पीछे हार्ट में देखा था कि जो इम्प्योर ब्लड आता था इस तक, यहीं से प्योरीफाई होके जाता है हार्ट के, और इम्प्योर ब्लड ऐसे ठीक। तो इस तरह से हमने जाना है। अब इसी में आप देख लेंगे ब्रोंकियाई क्या है, वॉइस बॉक्स क्या है, एडम्स एप्पल क्या है, बेसिक चीजें हैं आप देख के जाएंगे। एपिग्लॉटिस के फंक्शंस क्या है, किस तरह से, और आप ये जानते हैं ये पूरा का पूरा एक डायाफ्राम में रहता है, इसको देख लेंगे आप। एब्डोमिनल कैविटी, माउथ बकल कैविटी मैंने बताया, ये प्रोसेस से पूरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो यहां से हिस्सा ये वाला, इसको अपर ट्रैक्ट भी कहा गया, अपर, और ये लोअर ट्रैक्ट, सांस की जब बीमारी होती है ना ब्रोंकाइटिस, तो ये इसी पाइप में, या न्यूमोनिया इसी पाइप में मॉइस्चर के लग जाने से ब्रोंकाइटिस, ये फूल जाना, प्रॉपर तरीके से इनहेल एक्सहेल नहीं हो पाता। इन चीजों को आप एक बार समझ लीजिए, ये आप देख के जाएंगे एग्जाम में। ठीक, तो हमने देख लिया है सेलुलर रेस्पिरेशन कैसे होता है और कैसे इनकी सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेंगे, न्यूट्रिशन। पोषण क्या होता है, पोषण वो तत्व है जो आपके शरीर को विभिन्न खाद्य पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, या तो ये होंगे एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में, ऊर्जा दाता, या आपके बॉडी का ये रेगुलेटर कहे जाएंगे, रेगुलेटर। जब ये एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में होते हैं तो ये होते हैं रेगुलेटर, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, विभिन्न उपापचय को नियंत्रण करते हैं। जब एनर्जी प्रोवाइडर के रूप में होंगे तो फैट्स या
कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, विटामिन्स मिनरल्स के रूप में काम करेंगे, के रूप में काम करेंगे। बारी बारी से पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें आप देखेंगे CH की मात्रा ज्यादा रहती है ना। मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड, डाई, ये सब देख लीजिएगा। मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, इसके एग्जांपल्स देखे जाएंगे आप। फ्रक्टोज, ग्लूकोज है ना, माल्टोज, सेल्युलोज, सारे एग्जांपल्स देखे जाइएगा। कार्बोहाइड्रेट्स के कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं, फिर कैसे उनसे एनर्जी रिलीज की जाती है ना। तो ये आपके थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। फिर ये कौन से डिसॉल्वेबल होते हैं, कौन डिसॉल्वेबल नहीं होते, इनकी डिसॉल्विबिलिटी, डिसॉल्विबिलिटी, क्या डिसॉल्यूशन लिख ले, एक ही चीज है। थोड़ा इसको हम समझ लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। अगला देख लेंगे फैट्स के बारे में है ना। फैट्स, फैट्स क्या है, क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है। सबसे अधिक फैटी ब्रेन होता है, ब्रेन इज द मोस्ट फैटी, ब्रेन इज द मोस्ट फैटेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फैट्स को दो भाग में बांटा जाता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। इसके डेफिनेशन को आप देख के जाएंगे, इसके भी डेफिनेशन को देख के जाएंगे। सैचुरेटेड क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है ना। आप जानते होंगे ये सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पर, ये लिक्विड रहता है, ये सॉलिड है। अनसेचुरेटेड क्या होता है, लिक्विड होता है, जैसे मस्टर्ड ऑयल है ना, जैसे मस्टर्ड ऑयल, जैसे सनफ्लावर, ग्राउंड नट, सारे ऐसी एग्जांपल है। मस्टर्ड, ग्राउंड नट, सनफ्लावर, सूरजमुखी का तेल, ग्राउंड नट, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड, सरसों का तेल, सब क्या है, अनसेचुरेटेड है। फिर सेचुरेटेड में कौन आ गए, घी आ गया, जानवरों का वसा आ गया है कि नहीं। जैसे घी, जानवरों का वसा, एनिमल फैट, तो इस तरह से हमने देखा है कैसे अलग अलग फैटी चीजों की मदद से उनको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो पार्ट्स में बांटा जाता है। तो एक बार आप इस एग्जांपल को पढ़ के जाएंगे और ये समझ लेंगे कैसे इनका बाइफर्केशन, डिवीजन होता है, कैसे इनको बांटा जाता है। तो इसके उदाहरण जो भी है इसको आप देख लेंगे। हाँ, फिर इनके फंक्शंस पढ़ लेंगे, फैट्स का क्या क्या फंक्शन है, कैसे फैट्स एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फंक्शंस है फैट। फिर इसका टूटना आप जानते होंगे, फैट्स टूटते हैं तो किसमें टूटते हैं, फैटी एसिड्स या लिपिड्स। तो आप ये सारा समझ के जाएंगे, फैटी एसिड, लिपिड्स कैसे टूट जाते हैं, कैसे इनका डिसोल्यूशन होता है शरीर में, कैसे इनका फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, इसके बाद पढ़ लेते हैं प्रोटीन्स को, थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक चीजें, प्रोटीन्स का कॉम्पोजिशन देख लीजिएगा। प्रोटीन्स दो भाग में बांटे गए, एसेंशियल नॉन एसेंशियल। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है, नॉन एसेंशियल।
कम से कम इनको आप जरूर देख के जाएंगे। फिर इनका सोर्सेस, स्रोत क्या है, कहाँ कहाँ से आप प्राप्त करते हैं प्रोटीन्स, और फिर इनकी डेफिशिएंसी, इनकी कमी से, जैसे आप जानते हो मारास्मस, काशियोरकर, तो ये सब बीमारियां होती हैं। अगर प्रोटीन के शरीर में कमी हो जाए तो कैसे बीमारियां हों, कैसे दूर किया जाए, क्या क्या वजहें हैं, क्या क्या स्रोत हैं, है ना, एसेंशियल प्रोटीन्स क्या है, सिंथेसिस हो जाता है बॉडी में, नॉन एसेंशियल विच कैनॉट बी सिंथेसाइज इन आर बॉडी, दैट इज हाउ द न्यूट्रिशन वर्क्स। तो आप ये सारा देख के जाएंगे। लास्ट रह गया प्रोटीन्स के बाद वाइटामिन्स, थोड़ा उसको भी पढ़ लेते हैं, वाइटामिन्स आखिर होते क्या हैं। विटामिन्स को थोड़ा देख लेते हैं। विटामिन्स को हम जनरली दो भाग में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच आर सोल्यूबल एंड विच आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। वाटर इन सोल्यूबल, आप ये सब देख लेंगे, सोल्यूबल एंड इन सोल्यूबल। इन सोल्यूबल सॉल्यूबल, सॉल्यूबल में आप जानते हो कि विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारे इसमें आते हैं, विटामिन एच, बायोटीन। सी हम जानते हैं, किसी भी विटामिन को पढ़ेंगे तो उसके बारे में क्या पढ़ेंगे, यही पढ़ेंगे उसका सोर्स क्या है, चार चीजें पढ़नी होती हैं आपको किसी भी विटामिन से। विटामिन सी को आप पढ़ रहे हैं तो एक पढ़ेंगे इसका नाम क्या, स्कॉर्बिक एसिड, इसका नेम 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 है, सूडो नेम या नेम पढ़ेंगे आप, ऑल्सो नोन एज, किस नाम से जाना जाता है। फिर पढ़ेंगे सोर्सेस क्या क्या है, खट्टी चीजों में, स्कॉर्बिक एसिड फलों में, सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं। फिर पढ़ेंगे अगर ये शरीर में कम हो तो क्या हो, है डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी वगैरह आप जानते होंगे। तो ये तीन चार चीजें हैं जो आपको देख के जानी है। आप जानते हैं नींबू निचोड़ दीजिए, ग्लूकोन सील निचोड़ दीजिए, पानी में घुल जाएगा, तो क्या होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स देख लेंगे, जिसमें हम देखेंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B12, है ना। तो इसको एक एक बार आप जरूर देख के जाएंगे क्या क्या इनके स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं, कैसे कैसे बनते हैं। 5, 6 और 7 रह गया, विटामिन B6 और B7। तो आप क्या देखेंगे, बेसिकली आपको देखना होगा हर एक का कॉमन नेम कुछ है अगर, या ऑल्सो नोन एज, सोर्सेस क्या हैं इनके, डेफिशिएंसी क्या होती है ना। सिंस वी आर इन रिवीजन क्लासेस तो आप ये जरूर पढ़ लेंगे, क्लास में ये सब डील किया हम लोगों ने, कैसे कैसे कमी होती है, कमी से फिर कहाँ कहाँ दिक्कत होती है। फाइन, तो इस तरह से हमने विटामिन के अलग अलग सोर्सेस को देख लिया है। हाँ, अब पढ़ लेते हैं विटामिन, देख लिया मिनरल्स, मिनरल्स
क्लास क्लास में आइए, क्लास में आ जाइए। मिनरल्स को देखेंगे, सोर्सेस क्या हैं, कहाँ कहाँ से आप पाते हैं, कौन कौन से उनके सोर्स के बाद उनकी क्या क्या डिफिशियंसी से परेशानियां होती हैं मिनरल्स की। कई बार ना एग्जाम में पूछा जाता है किसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो आप ये भी वाला सवाल जरूर देख लेंगे, अमाउंट टेकन किसकी कितनी मात्रा ली जानी चाहिए, किसकी कितनी मात्रा ली जानी चाहिए, तो हम ये समझ पाएंगे कि कितनी मात्रा में कौन सी मिनरल्स या विटामिन दी जानी चाहिए, है ना। फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब, विटामिन, मिनरल्स, इनका एक बार अमाउंट भी देख लेंगे, ऑर्डर देख लेंगे। तो इस तरह से हमने बायोलॉजी की लगभग सारी महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो कि एग्जाम में आने वाले हैं उस पर एक बार चर्चा की है। आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से देख लीजिए और फिर जिसका डिस्कशन हमने क्लास में किया ऑलरेडी, बहुत डिटेल्स में हमने इसको पढ़ा है, तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ, आप इन सभी को पढ़ लें तो कम से कम इतना कर लेंगे अगर आप, तो आपके सवाल सारे बहुत आराम से सॉल्व हो जाएंगे। फोकस इस पर कीजिए और कोशिश करनी चाहिए मैक्सिमम अटेम्प्ट रखने का। कई बार सवाल एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व किए जा सकते, क्या नहीं हो सकता, तो आप ये सब प्रोसेस अपनाएंगे। बाकी क्लास नोट्स आपके पास होंगे जो आपको पढ़ाया गया है, जिसमें डिटेल्स डिस्कशन किया गया है इन सारे टॉपिक्स का, तो उसको आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। चलिए मेरे तरफ से सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।